नमस्कार, मैं डॉक्टर भास्कर भारद्वाज आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो मध्य प्रदेश की आ चुकी है काउंसलिंग के लिए, ठीक है। तो मध्य प्रदेश काउंसलिंग किसको करना चाहिए, कौन सा डेट है, ये सब कुछ मैं आपको बताता हूं। देखो, मध्य प्रदेश काउंसलिंग जो है वो इन्होंने दिया है, रजिस्ट्रेशन डेट दिया है इन्होंने 3 तारीख से 10 तारीख तक, मतलब 3 जुलाई से लेकर के 10 जुलाई तक आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, ठीक है। मतलब 8 दिन उन्होंने दिया रजिस्ट्रेशन के लिए, इनसफिशियंट, बहुत अच्छी बात। इनका जो लिस्ट आएगा कि हाँ कितनी वैकेंसीज हैं, मतलब सीट मैट्रिक्स जो आएगी वो 5 तारीख को आ जाएगी, ठीक है। देन जो मेरिट लिस्ट है बच्चों की वो 11 तारीख को आ जाएगी, और आपको 12 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक मिलेगा टाइम कि आप अपनी चॉइस फिलिंग कर लो, ठीक है। आफ्टर दैट जो फर्स्ट राउंड का रिजल्ट है वो 19 तारीख को अनाउंस किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद 20 से लेकर के 25 तारीख तक आपको टाइम मिलेगा कि आप जाकर के अपने कॉलेज को ले लें, या तो फिर आपको लग रहा है अपग्रेड के लिए जाना है अपग्रेड के लिए चले जाओ, वट एवर यू वॉन्ट यू कैन गो। अब बात करते हैं कि ये मिलता किसको है और मध्य प्रदेश में किसको जाना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मध्य प्रदेश में एक सबसे अच्छी बात यह है कि मध्य प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बच्चों को फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करने देते हैं जिनके पास मध्य प्रदेश का डोमिसाइल हो। तो मतलब ये पार्सली ओपन स्टेट है, मतलब ये वो ओपन स्टेट नहीं है यूपी और राजस्थान की तरह कि फर्स्ट राउंड से कोई भी आके बैठ सकता है। तो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में सिर्फ वही बच्चे बैठ सकते हैं जिनके पास डोमिसाइल हो एमपी का, और सेकेंड राउंड से सारे बच्चे बैठ सकते हैं, ऑल इंडिया के किसी भी स्टेट के बच्चे बैठ सकते हैं। अब यहां पर एक अच्छी बात मैं बताता हूं, अगर आप मध्य प्रदेश में हैं तो जो प्राइवेट कॉलेज की फी रेंज है वो 4.5 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाती है और जाती है 8 लाख रुपए तक। मतलब आप ये कह सकते हैं अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपको ब्रांच चाहिए, तो आप मध्य प्रदेश की तरफ रुख कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कॉलेज की फीस थोड़ी सस्ती है दूसरे स्टेट के मुकाबले। मतलब यूपी की बात करेंगे उससे सस्ती हो जाएगी, राजस्थान की बात करेंगे उससे सस्ती हो जाएगी कॉलेज। अब बात करते हैं रैंक की। अगर आपका रैंक 10,000 तक भी है तो आपको ओरल सर्जरी, प्रोस्टो और ऑर्थो मिल सकता है। अगेन आई एम टेलिंग यू कि मैं किसी पर्टिकुलर कॉलेज का नाम नहीं ले रहा हूं कि यही कॉलेज आपको मिलेगा, ये जो सबसे अच्छा कॉलेज है ये आपको मिल जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। बट याद रखने वाली बात यह है इसमें कि आपको कॉलेज मिल रहा है, इसका 12,000 रैंक है, उसको कहीं भी प्रोस्टो नहीं मिलेगा, बट थोड़ा सा वो ट्राई करेगा तो आरकेडीएफ में मिल जाएगा। तो इट्स इजी, यहां पर जो है ऑन गोइंग थोड़ा आसान होगा मिलना कॉलेज दूसरे स्टेट के कंपेयर में। मतलब कि कम फीस में ज्यादा रैंक वाले को अगर कहीं कॉलेज मिल रहा है तो एमपी स्टेट है, यहां आपको ब्रांच मिल जाएगा, जो भी ब्रांच आप चाहोगे। नंबर ऑफ कॉलेजेस ज्यादा है, बच्चे कम है, इसलिए अगर बात करेंगे क्वालिटी ऑफ कॉलेज की तो यहां पर एक दो कॉलेज को छोड़ के बाकी सारे कॉलेज एवरेज कॉलेज हैं या तो बिलो एवरेज कॉलेज हैं, बहुत अच्छे कॉलेज नहीं है। बट एट द सेम टाइम जिसका 12,000-13,000 रैंक है वो क्या उम्मीद कर रहा है कि उसको बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, ये उम्मीद करना तो बेवकूफी होगी मेरे ख्याल से। मे बी जो मैं कहने जा रहा हूं इससे आपको थोड़ा दुख पहुंचेगा, बट ये सच है ना कि अगर आपके 12,000 रैंक है तो आप क्या चाह रहे हो कि आपको बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो जो भी लोग एमपी से बिलोंग करते हैं वो जरूर एमपी में पार्टिसिपेट करें, और जो एमपी से बाहर के लोग हैं वो सेकेंड राउंड से पार्टिसिपेट कर पाएंगे। हर साल का यही रूल होता है, इस साल भी यही होगा, मे भी अगर थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस हों तो मे भी हो सकता है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, भास्कर भारद्वाज, डॉक्टर भास्कर भारद्वाज के नाम से मेरा पेज है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं वहाँ पर। आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं कि आपको कौन सा ब्रांच लेना चाहिए, कौन सा सुटेबल ब्रांच होगा, कॉलेज समझ में नहीं आ रहा है आपके रैंक पे, आपके बजट में आपको कौन सा कॉलेज लेना चाहिए आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं। ओनली कॉल, यू हैव टू जस्ट बुक एन अपॉइंटमेंट और आप मुझसे बात कर सकते हैं। लेकिन अगेन आई एम टेलिंग यू कि सेम डे अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है, तो और फिर लड़ाई झगड़ा नहीं करना वहाँ जा करके कि हाँ आज ही दे दो अपॉइंटमेंट, आज ही दे दो, ये नहीं हो सकता है। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा कि एमपी काउंसलिंग किसको करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। थैंक यू।